हे भोलेनाथ, मेरा चेहरा कोई ना देख पाए। बेबे वहीं रुक जाइए। शादी का काम तो ऑलमोस्ट हो गया ना, वेडिंग सीजन है, तुम्हें देख के कुछ कुछ हो रहा है। लेकिन शादी अभी हुई नहीं है। एग्जैक्टली, शादी तो अभी हो रही है, और अगर हम दोनों यहाँ नहीं भी हुए ना तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पहले हमारा रिश्ता तो ऑफिशियल हो जाने दो, उसके बाद। हेलो, लो हो गया रिश्ता। नाउ यू वांट इट ऑफिशियल, राइट? वेट। दैट इज माय कमिटमेंट। नाउ कैन आई? पंडित जी, आप शादी शुरू कीजिए। अरे पर वीर जी के बिना कैसे? शादी तो मुहूर्त पे ही होगी, ये सबको पता है ना? वो किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में होंगे, आ जाएंगे। और खुदा हवन कुंड की आग में। पंडित जी, आप शुरू कीजिए। सबसे पहले कौन सा विवाह आरंभ करें? कौन सा मतलब? आप दोनों विवाह आरंभ कीजिए। देखिए, शादी विवाह में माता पिता का रहना एक साथ अत्यंत आवश्यक है, और आपकी दोनों बेटों की शादी एक साथ है, आप दोनों जगह पे एक साथ तो नहीं जा सकती ना। पंडित जी, प्रथा के पिताजी यही है, कन्यादान नहीं रुकेगी, इसलिए सबसे पहले आप रितेश और प्रथा की विधि शुरू कीजिएगा। हाँ हाँ सीमा, ये सही रहेगा, रीम की शादी तक उसके डैड भी आ जाएंगे। मैं उन्हीं फोन कर रही थी। एक्साइटेड हूँ मैं तुमसे शादी करने के लिए। तुम खुश हो ना? उस वक्त भी ये लड़की बहुत डरी सहमी थी, पता नहीं क्यों मुझे इस पे बहुत शक हो रहा है। कुछ तो है इसके घूंघट का राज, ये तो मैं पता करके रहूंगी। चलिए वरवधु का गठबंधन कीजिए। यही सही मौका है इसके घूंघट को खोल के इसके राज को खोलने का। पर कैसे खोलूं उसका राज? ये सही आइडिया है। यस, हे शिवजी, अगर इस तेज हवा की वजह से प्रथा का घूंघट टूट गया तो उसका नागिन रूप सामने आ जाएगा। नहीं, शेष नागिन इतना जल्दी सामने नहीं आ सकती है। We'll be right back.
ये एकदम से आंधी कैसे आ गई? किसी ने खिड़की खोल दी है, तूफान से बल्ब वगैरह टूट रहे हैं, कोई बंद करो खिड़की। रेहान रेहान जाके सारी खिड़कियां बंद कर दो। अरे राधा तू वहां खड़ी क्यों हो? जाओ जाकर सारी खिड़कियां बंद करो। नहीं 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 नहीं, मैं डाइट पे हूँ, मैं ये पिलर को नहीं छोड़ूंगी, अगर इन्हें छोड़ूंगी ना मैं तो उड़ जाऊंगी। बहू अग्नि संभाल वरना शगुन हो जाएगा। हे भगवान। हाँ आप मुझे पता है महक दीदी, ये तूफान आपने लाया है, आपने मुझे बचाया है, थैंक यू दीदी। ओए उर्वशी तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ सीमा, पर यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ ठीक नहीं हो रहा। मुझे तो इन शादियों से बहुत डर लगने लगा है सीमा, पता नहीं क्या है, या तो ये शादियां गलत है या फिर रस्में गलत है या फिर मुहूर्त ही गलत है। तो फिर किससे होगी शादी? मैंने कहा ना ये शादी होगी, आज ही होगी, किसी से भी होगी, पर ये शादी होगी। नहीं उर्वशी, ये शादियां आज ही होगी और इसी मुहूर्त पे होगी। कोई तो जा, लाइट ऑन करो, जा। डोंट वरी, रिसोर्ट में जाके अभी सर्किट बॉक्स को फिक्स कर देंगे। चल रिट्स। हाँ मामा हम चले जाते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? अरे आज तुम दोनों की शादी है, तुम मत जाओ, कोई और जाओ। अरे माँ ये काम हम दोनों से अच्छा कौन कर सकता है, बस यूं गए और यूं आए है ना। हाँ चल, चल रहे। राधा तुम ठीक तो हो ना? आपने बचा लिया इसलिए ठीक हो दीदी, वरना वरना क्या, जब तक मैं हूं तुम्हारे साथ मुझे एक आंच नहीं आने दूंगी। रिज, I'm sorry यार, तेरे डिसीजन पे खामखा इतना ओवर रिएक्ट कर दिया ना मैंने, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं कि मेरा भाई अब बड़ा हो चुका और अपने लाइफ के फैसले वो खुद ले सकता है। Once again, I'm sorry. आप सॉरी मत बोलो, वो सिचुएशन ही ऐसी थी भाई, आप बड़े भाई हो, टांट दिया, हो गया बात खत्म। चलो पहले घर की बत्ती जला, फिर ये खुशियों की बत्ती जलाइए। चल क्या बात है भाई, आज हमारी लाइफ का बेस्ट डे, बेस्टेस्ट डे, तो लिटिल लिटिल चल लिटिल लिटिल चलो अभी लेकर आता हूँ। ये ले। सीमा जी दोनों दूल्हों को बुला लीजिए, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। बहू इस शुभ मुहूर्त पे शादियां मंडप पे आके नहीं हुई तो फिर तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। अब लो ऋषभ और रितेश आ गए। ओम भद्रम कर्णे भी श्रुणुयाम। पंडित जी शादी की रस्म शुरू कीजिए। ऋषभ इतना हिलडुल क्यों रहा है, इसे क्या हो गया? आई ओके?
ए शिव जी, इस शादी में बहुत बाधाएं आ रही है, अब कोई और बाधा ना आए, चाहे जैसे भी हो ये शादी हो जाए। ए भोलेनाथ, ए शेषनाथ, अब शेषनाथ की दुनिया इस देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है, उसका काम पूरा करो। जिस काम को अंजाम देने की आई है उस अंजाम को पूरा करो। ये नागनों की नागिन शेष नागिन है, ये अपना मकसद पूरा करने के लिए हर मुश्किल को पार कर सकती है, और जब तक इसका मकसद पूरा नहीं होगा ये चैन से नहीं बैठेगी। ब्रो, हाँ? यार तो बहुत बड़ा फ्लोट है, आके लड़की पटाई ली। विहान अभी वो तो छोटा पक्का है, बताना तो बाकी है। अब कन्यादान की रस्म करेंगे, कन्या के पिताजी यहाँ आए बैठे, आइए। कन्या का दाहिना हाथ आप अपने हाथ में रखिए। बेटी अपना हाथ रखो पिता के हाथ में। ये क्या था उर्वशी? क्या करूं सीमा, इतने स्लो मोशन में अगर हाथ आगे बढ़ाएगी तो फिर इसी मुहूर्त में दूसरी शादी कैसे होगी, इसलिए मैंने हाथ आगे कर दिया। मुझे इस लड़की के घूंघट के अंदर देखना है, ये कुछ तो छिपा रही है। आप अपनी लक्ष्मी रूप जैसी कन्या विष्णु रूप जैसे वर को दे रहे हैं, दीजिए बेटा अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ। ऋषभ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ना वियर्ड क्यों एक्ट कर रहे हो? सीधे बैठ जाओ ना। अब वर वधु वरमाला के लिए खड़े हो जाएं। पहले वधु वरमाला पहनाएगी फिर वर। मैं वचन लेती हूँ, मैं शिव जी के वरदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी, अपने देश के साथ कोई अनर्थ नहीं होने दूंगी। मैं वचन लेती हूँ, मैं देशद्रोहियों को अपना देश नहीं बेचने दूंगी, एक भी असुर को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पंडित जी, मेरे एक बेटे की शादी संपन्न होने जा रही है, अब मेरे दूसरे बेटे की शादी की रस्म शुरू कीजिए। जब मैं मंत्रोच्चार करूंगा तो आप लोग हवन कुंड में आहुति डालेंगे। सिंदूर दान की रस्म करेंगे, दूल्हा दुल्हन के मांग में सिंदूर भरेगा। घूंघट उठाइए दुल्हन का। रुको सीमा, बहु बेटे होंगे तुम्हारे, लेकिन सबसे पहले इसका मुंह मैं देखूंगी, दुल्हन का घूंघट मैं उठाऊंगी। ठीक है उर्वशी। अब तो पता चल ही जाएगा कि इस लड़की के घूंघट की कहानी क्या है, राज क्या है, इसने इतना बड़ा घूंघट क्यों ले रखा है, आखिर ये चक्कर क्या है? ये उर्वशी प्रथा उसके घूंघट के पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ी है, ऐसे तो प्रथा मुश्किल में आ जाएगी। मन करता है उसको डस डस की मार दूं, ये घूंघट लेकर उसको यही दफना दूं। शांत बहन शांत, शेष नागिन है, जानती है कैसे संभालना है। घूंघट उठाऊं ना सीमा? उर्वशी, रितेश को तूने अपना बेटा माना है ना, इसलिए सबसे पहला हक तेरा बनता है, चल उठा ले घूंघट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
उर्वशी, देख लिया ना मेरी बहू का चेहरा, अब तो खुश? अब रितेश को सिंदूर भरने दो, इसके मांग में। ऐसे लग रहा है कि शिव और पार्वती का मिलन हुआ है। सिंदूर के इस लाल रंग की कसम, मैं असुरों का लाल खून बहा के अपने देश की मिट्टी को फिर पावन करूंगी। इस मिट्टी के लिए ही तो आई हूं। ऋषभ, वरमाला के लिए खड़े हो जाओ, पंडित जी बोल रहे हैं। ऋषभ, ऋषभ, अरे हटो ऋषभ। ऋषभ क्या हो गया ऋषभ को? ऋषभ गिर कैसे गया? ऋषभ, अरे कोई पानी लाओ। हाँ हाँ, और इसके मुंह पे छिड़को, मतलब मुंह पे पानी छिड़को, जल्दी पानी लाओ। उसे कैसे गिर गया? ये ऋषभ को क्या हो गया आज? ऋषभ तू ठीक तो है ना? ये हो कह रहा है। क्या हुआ मॉम? ये तो रितेश है। क्या के साथ, तो तू यहाँ कैसे? आप भी ना गलत सवाल पूछ रहे। सवाल ये होना चाहिए कि अगर ये यहाँ है तो वहाँ कौन है? वाह, क्या घर है ये, क्या शादी हो रही है यहाँ पे? पहले इस धोखेबाज ने मेरी एक बेटी को रिजेक्ट किया, हाँ, और अब दूसरी बेटी के साथ धोखे से शादी करने जा रहा था। You bloody cheater! I'm gonna kill you! शादी के नाम पे साजिश चल रही है इस घर में। क्या बोला था तूने मुझे सीमा? मेरे बेटे को कमीना कैसे बोला तूने? यही बोला था ना तूने मुझे? अरे एक नहीं हजार बार बोलूंगी इसे कमीना। कमीना है, कमीना है ये। मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। ऋषि प्लीज प्लीज काम डाउन, शांत हो जाओ। नहीं शांत होंगी मैं, नहीं शांत होंगी मैं। उर्वशी बेटा, कहीं कुछ गलत फहमी हुई है। भगवान, हाँ भगवान, जो करते हैं ना अच्छे के लिए ही करते हैं बेबे। थैंक गॉड मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। एक को तो पहले से इसने धोखा दे दिया, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ इसकी शादी नहीं हुई, और दूसरी की होते होते बच गई। चलता फिरता धोखेबाज है ये आदमी। थैंक गॉड कि सिर्फ एक ही शादी हुई है अब तक। लेकिन वो है कौन जिसे प्रता की शादी हो रही है?
कौन हो तुम? कौन हो? आज हमारी लाइफ का बेस्ट डे है, बेस्टेस्ट डे। तो लेटर लेटर चलो भी लेकर आता। सॉरी भाई, पर ये जो लड़की प्रथा है ये मुझे सही नहीं लगी, तो मैं तुझे उससे शादी नहीं करने दूंगा। उससे शादी मैं करूंगा क्योंकि उसका मकसद पता करके उसकी साजिश तोड़नी है मुझे। उससे तुझे और अपने देश को बचाना है मुझे। हे माता रानी, इस शुभ मुहूर्त पे इतना अपशगुन कैसे हो गया? रीम, इस पर इतनी बड़ी चीटिंग हुई और तू यहाँ पे चुपचाप खड़ी है? ऋषभ, तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर लिया? ऋषभ, क्या किया तूने? ऐसा क्यों किया? प्रथा से तूने शादी क्यों की? क्योंकि मुझे प्रथा से ही शादी करनी थी। क्या क्या कहा तूने? मुझे इस लड़की से शादी करनी थी? दिमाग खराब हो गया? तू होश में तो है ना? युची, नितेश, जाओ, क्या कर रहा था? नितेश, धोखा दिया? अरे छोड़ो, धोखा दिया मेरे को ना? मैं छोडूंगा नहीं आपके लिए, आपके लिए छोडूंगा नहीं मैं आपको, आपके लिए, आपके लिए छोडूं, आपके लिए। नितेश, छोडो, छोडो, नहीं छोडूंगा मैं। नहीं छोड़ूंगा, जान ले लूंगा। अब मैं समझा भाई, आप इसलिए बोलते थे ना कि प्रथा से शादी मत कर क्योंकि आपको शादी करनी थी। आप जैसा भाई मैंने लाइफ में नहीं देखा किसी का। अंदर से बाहर से जितना कह रही सबके सामने, अंदर से उतना ही शादी है। धोखा दिया भाई, सामने धोखा दिया मेरे को। हे भगवान, सच में बवाल है ये लड़की। जब से इस घर में कदम रखा है ना, तब से दूसरों को तो छोड़ो, भाई भाई में झगड़ा लगा दिया है। बेबे, आप बिल्कुल सही कह रही थी कि इस घर में कोई बुरा साया है, और है। इस घर में बुरा साया कोई और नहीं, ये लड़की है। ऐसे कमीने लड़कों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मेरा बस चले तो मैं तुमको गला घोट दूं। रितेश, तू अपने भाई को नहीं मार सकता। मेरे प्यार के साथ आप प्यार नहीं कर सकते भाई। कर लिया।
करता हूं और आगे भी जो करना है ना करूंगा, समझा? प्रथा से मैंने शादी कर ली, नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट इट, ओके? ऋषभ, ये कैसे कर लिया ऋषभ? जब तुम आए थे मेरे रूम में रिया की शादी टूटने वाली बात बताने के लिए, तब मैंने तुमसे बोला था मुझे शादी नहीं करनी है। तब तुमने अपने आप को चोट पहुंचा कि मुझे कन्विंस किया था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो मुझे शादी करना नहीं है। उसके बाद ये सब लड़ाई क्यों किया? क्यों किया ये सब लड़ाई? क्यों किया? रीम, अब ये सब बातें करने का क्या फायदा? क्या फायदा है? इस घर में शादी नहीं, मजाक हो रहा है, मजाक। बेहुदा मजाक, ये मजाक। आंटी, मेरी वाइफ को हाथ भी मत लगाइएगा। मुझे नहीं पता ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, आई डोंट नो एनीथिंग, ओके? मुझे भी यही लगता था कि मुझे रीम से प्यार है, लेकिन ऐसा नहीं। मैंने तो प्रथा को पैसे भी ऑफर किए थे कि मेरे भाई से शादी करने के लिए ना कर दे, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अपने भाई को प्रथा से शादी करने के लिए मना कर रहा हूँ क्यों? हाँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट? लेकिन फर्क पड़ा था। बहुत फर्क पड़ा था। मैं तो खुद नहीं जानता कि कब प्रथा से मुझे इतना प्यार हो गया। तुझे कितना दिमाग खराब हो गया है? बचपन से तू रीम से प्यार करता था। हाँ माँ, मैं मानता हूँ कि मैं बचपन से कहता आ रहा हूँ कि मैं रीम से प्यार करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गिफ्ट, चॉकलेट्स, ये सब बकवास से यही बोलता था ना मैं। आर्मी में जाना चाहता हूँ तो गया। मैं मानता हूँ माँ कि मेरे पास रीम के लिए फीलिंग्स थी, लेकिन वो प्यार नहीं था। क्योंकि प्यार क्या होता है, मुझे तब एहसास हुआ जब मैंने पहली बार प्रथा को देखा। तब एहसास हुआ मुझे कि प्यार क्या होता है। मां, सच यही है दैट आई लव प्रथा। तो आप ही बताइए कि मैं कैसे रीम से शादी कर लेता जब मुझे उससे प्यार ही नहीं है। तो और तू जानता है कितनी जलन होती थी मुझे, कितनी जलन होती थी जब तुझे उसके साथ देखता था मैं। इतनी जलन की मैं बता भी नहीं सकता। इसलिए जब लाइट चली गई ना, तो मुझे लगा यही मेरे लिए सही मौका है। चीयर्स। धोखा दिया भाई आपने। हाँ, धोखा दिया आपने। भाई भाई होके तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? तू अपने भाई को क्यों मार रहा है? मैं भी रहने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मुझे मारना चाहता है ना, ले ले मार मार। अगर मारना क्या हो गया, बस इतना ही मारना था। देख, मुझे जो करना है तू कर, क्योंकि मुझे जो करना था ना मैं कर चुका। तुझे प्रथा से शादी नहीं करनी, कर लिया मैंने। और वैसे भी ये लव क्या होता है? हाँ, बस थोड़े टाइम के लिए राज करता है, उसके बाद गायब, खत्म। और मुझे इसके चेहरे से इतना प्यार हो गया कि जब भी इसे कोई देखता है ना,
तो मन करता है जान ले लूं उसकी। ऐसा लगता है कि अगर इसे नहीं पाया ना तो अपनी किस्मत ही खो दूंगा। आज महाशिवरात्रि है, भगवान ने ये जोड़ी बनाई है जो हम तोड़ नहीं सकते हैं। आज से प्रथा ऋषभ की पत्नी और इस घर की बहू है। चलो तुम, चलो तुम दोनों। बेचारी मेरी बहन प्रथा, पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। मुझे उससे बात करनी होगी। प्राइवेट नंबर से मैसेज, कंसाइनमेंट भी आ गया है, हम चारों भी आ गए हैं। तू कब आएगा ललित? ये पांच चेहरे जो मैंने मंत्री की आंखों में देखे थे, एक चेहरा तो ललित का था, अब बाकी के चार चेहरे सामने आएंगे। रफ्तार से फैला है इस महामारी को। देश के छोटे से छोटे शहर में लोग मर रहे हैं इस बीमारी से। अब वक्त आ गया है मेट्रोस पे अटैक करने का। वो चार चेहरे, वो जो चार भारतवासी हैं, मुझे उन चारों के चेहरे देखने हैं। यहाँ कोई है, हमें फौरन बैकडोर से निकलना होगा। कहाँ गए सब? हे कालू के काल महाकाल, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं जिस मकसद से आई हूँ वो पूरा कर सकूँ। असुरों का वध करने आई हूँ तो एक एक असुर को उसके अंजाम तक पहुँचा के ही रहूँ। बहू, शादी पूरी हो गई, ललित अभी तक नहीं आया। मैंने आपसे कहा ना, किसी मीटिंग में बिजी होंगे। लेकिन पुनित बोल रहा था कि जो लोग मीटिंग में गए थे उनका चॉपर उड़ गया, लेकिन अभी तक आया नहीं। मुझे फिक्र हो रही है। मैं फोन ट्राई करती हूँ।
अगर मैं ललित बनके यहाँ आई तो फिर मुझे यहीं रुकना पड़ जाएगा। ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे। ललित गुजराल इस परिवार का मुखिया है और वो अब तक मरा नहीं है। पर शुक्र है उसका फोन मेरे हाथ लग गया। वो चार चेहरे जो अभी चॉपर में उड़े हैं वो ललित को ज़रूर फ़ोन करेंगे, तो इस फोन के ज़रिए शायद मुझे उनका कोई सुराग मिल जाए। भाभी आज का दिन भी आपका और आज की रात भी आपकी। आज तो आपकी FN है ना, फर्स्ट नाइट सुहाग रात। चलिए आपको आपके सुहाग के पास ड्रॉप कर देते हैं। ऋषभ ने ऐसे अचानक मुझसे शादी क्यों की? प्यार तो वो मुझसे नहीं करता, हाँ मुझ पे शक करता है, वो शक के लिए तो नहीं। और अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। जिंदगी में दो ही चीज़ प्यारी है मुझे, एक मेरा देश और तुम। कौन हो तुम? क्या मकसद है तुम्हारा? बोलो।